मारुति सुजुकी वालों ने रिसेंटली अपनी एक 4x4 SUV कार लॉन्च कर दी है जिसका नाम है सुजुकी जिम्नी। सुजुकी जिम्नी के सभी के फीचर सभी को पता है विदाउट इसके प्राइस के। इसका प्राइस अभी रिवील नहीं किया है मारुति सुजुकी वालों ने, लेकिन जो फीचर्स जो इसके डिटेल्स है वो ड्रॉबैक्स है आज हम वो इस वीडियो में पूरे करके देखें फुल फ्लेज्ड कार डिटेलिंग के साथ और कंपेयर करेंगे कि हमें थार के साथ भी क्या मिल जाता है और आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आप सभी को पता है जो जिम्नी है इस साल वो एक ऐसी कार बनाई है कि वो थार को टक्कर दे सके, क्योंकि आप सभी को पता है अभी के टाइम पर थार का मार्केट इतना ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। एक ऐसी 4x4 गाड़ी है जिसमें आप ऑफरोड भी कर सकते हो, हालांकि लग्जरी आपको इतनी इसमें नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू जिम्नी में आपको बहुत ज्यादा लग्जरी देखने को मिलेगी। लग्जरी से बात याद आया कि चलो इंटीरियर में पहले नजर डालते हैं। इंटीरियर में आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी क्योंकि इंटीरियर में आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल IRBM, फैब्रिक सीट्स, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल दोनों में देखने को मिलेंगे, मतलब जिम्नी में भी आपको देखने को मिलेंगे और थार में भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल रहता है कि सेफ्टी के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता है सुजुकी की जिम्नी रीसेंट ईयर्स पास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ समझौता कर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने समझौता बिल्कुल ही नहीं किया। इस बार सेफ्टी के फुल 100 पॉइंट्स दिए गए हैं जिम्नी को। जिम्नी में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू थार। थार में आपको सेफ्टी कम मिलती है, थार में आपको खाली 2 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, अब देखते हैं इनमें डिफरेंट क्या आपको देखने को मिलेगा। 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जिम्नी में देखने को मिलेगी और वहीं पर अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 9 इंच की आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ आपको ड्यूअल एयर बैग्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स मिला है। और कॉमन इसमें क्या क्या है जो आपके आपको टायर्स में देखने को मिलेंगे, ABS, EPD, ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट्स, रियर पार्किंग और 18 इंच अलॉय व्हील्स आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे, थार में भी और जिम्नी में भी। LED टेल लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी थार में, हेलोजन लैंप्स देखने आपको थार में मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको कोई LED DRLs नहीं देखने को मिलेंगे और जिम्नी में आपको LED वॉशर्स देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ ये तो बात हुई कि एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको कैसे देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बात आती है इंजन आपको कैसे देखने को मिलेगा। इंजन तकड़े चेक कीजिए तो इंजन आपको ऐसा में देखने को मिलेगा 1.5 लीटर पेट्रोल आपको जिम्नी में देखने को मिलेगा जो कि आपको 103 BHP की पावर एंड 134.2 Nm न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको जनरेट करके देगा। वहीं अगर थार में आपको 3 इंजन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको 1.5 डीजल इंजन जो कि आपको 117 BHP और 300 Nm की टॉर्क जनरेट करके देगा। दूसरे में आपको 2 लीटर पेट्रोल 150 BHP की पावर और 320 Nm की टॉर्क जनरेट करके देगा। तीसरा 2.2 लीटर डीजल जो कि आपको 130 BHP की पावर और 300 Nm की टॉर्क जनरेट करके देगा। कंपैरिजन से आपको ये पता चलता है कि अगर आपको रोला जमाना है तो आपको थार लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकलिटी देखनी है कि कौन सी गाड़ी हमें क्या देख सकती है, जैसे कि माइलेज की बात अगर की जाए तो माइलेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जिम्नी में आप